हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? तो यार खबर तो आज भी मेरे पास आप सबके लिए काफी कमाल, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि रज्जब भट्ट और एनएस वाली जो कंट्रोवर्सी चलती आ रही थी पिछले कुछ टाइम से, वो अब शायद अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी खत्म होने के साथ एक मजीद बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाली है, इसका भी मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो आज 30 जुलाई और आज था रज्जब वर्सेज एनएस का बॉक्सिंग मैच, जो कि सूत्रों के अनुसार तो यही पता चल रहा है कि एनएस जो है वो विन कर गए। और यार लाइव स्ट्रीम की क्वालिटी जो है वो इतनी ज्यादा कोई घटिया थी कि ना ही कुछ देखने में मजा आ रहा था और ना ही देखने में समझ आ रहा था। लेकिन एट दी एंड रिजल्ट यही निकल के सामने आया कि एनएस वो विनर बन चुके हैं और रज्जब भट्ट, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हार जाएंगे, वो ये फाइट हार चुके हैं। तो और इसके कुछ क्लिप्स वगैरह जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल चल रहे हैं इनके बॉक्सिंग मैच के, तो पहले तो आप लोग थोड़े बहुत वो देख लें। चुप बैठा है, ये क्या हुआ है? वो देखो अनस के ऊपर वो कर रहे हैं, शाउट कर रहे हैं। तो ये फाइट खत्म होने के बाद अनस अली ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी ये वीडियो शेयर की है। यार इसके अलावा नसल एक और पोस्ट शेयर करते हुए लिखते हैं, आई एम द फर्स्ट यूट्यूब बॉक्सिंग चैंपियन। तो रज्जब भट्ट के फैंस तो काफी ज्यादा नाखुश होंगे उनसे कि रज्जब भट्ट ये फाइट हार गए, लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि सारा जो है वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था और रज्जब भट्ट को हारना ही था। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसा था या नहीं, वो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। बगैर रज्जब भट्ट और नसल की जो फाइट चल रही थी, इसी की रिहाज लाइव जो है वो वॉच पार्टी स्ट्रीम भी कर रहे थे और उनकी वॉच पार्टी स्ट्रीम में रहीम परदेसी भी एंट्री करते हैं और वो कहते हैं कि रज्जब भट्ट जो है वो कभी भी स्क्रिप्टेड फाइट नहीं करेगा। लेकिन रज्जब भट्ट तो हार गए, लेकिन वो नसल को चैलेंज देना चाहते हैं फाइट के लिए और वो भी अपना एक हाथ बांध कर। तो पहले तो वो रिहान की लाइव में इसके रिलेटेड क्या बात करते हैं आप लोग वो देख लें। लो भाई लो, रीड दिस आउट। राहिम भाई ने भजन चैट में लिखा, माय ओपन चैलेंज टू अनस, आई विल बॉक्स हिम विद वन आर्म ओनली, ओपन चैलेंज। भाई इस बात को टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पे फैला दो, खबरी को बता दो भाई, ऑफिशियली राहिम भाई ने अनस अली को चैलेंज दिया। वो कह रहे हैं मैं एक हाथ से फाइट करूंगा और भाई मैं उसको हरा दूंगा। ओ भाई साहब, क्रेजी राहिम भाई कह रहे हैं, ओके अगर ये बात है देन लेट अनस एक्सेप्ट माय चैलेंज, आई विल टाई माय वन आर्म बिहाइंड माय बैक एंड फाइट हिम एंड शो हिम व्हाट्स बॉक्सिंग, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड, बॉक्सिंग इज नो जोक, रजब विल नेवर डू स्क्रिप्टेड। ओ भाई साहब, ऑफिशियल स्टेटमेंट बोल दिया, ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय राहिम परदेसी। तो इस सब के बाद रेहान ने जो अपने इंस्टा पर भी एक ऐसी वीडियो शेयर की थी, आप लोग वो भी देख लें। अनस अली वर्सेस रज्जब भट्ट मैं कर रहा था और राहिम भाई हमारे चैनल के ऊपर आए, हमारी स्ट्रीम पर आए, उसकी क्लिप्स अभी टिकटॉक के ऊपर भी वायरल हो रही हैं, उसकी क्लिप्स अभी खबरी भी लगाएगा। राहिम भाई ने हमारे चैनल पे आके लाइव चैट में अनस अली को ओपन चैलेंज दिया कि वो एक हाथ पीछे बांध के अनस अली से फाइट करेंगे और वो स्टिल जीत जाएंगे। सो भाई ये आवाज पहुंचा दो भाई, अनस अली चैलेंज एक्सेप्ट करे, बस मजा आएगा। और हाँ, मेरा प्रॉमिस है, अभी इतना अच्छा मैच था लेकिन मसला क्या था, लाइव स्ट्रीम बहुत गंदी थी, मतलब कोई प्रॉपर स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी। तो अगर राहिम भाई का और अनस अली का मैच होता है तो भाई उसकी लाइव स्ट्रीम मैं खुद करूंगा, अपने चैनल पे करूंगा और प्रॉपर इंटरनेट HD के अंदर करेंगे भाई, फुल VIP तरीके के साथ। तो अब ऑफिशियली राहिम परदेसी ने भी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अनस अली को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज दे दिया है और राहिम परदेसी जो है वो कुछ ये कह रहे होते हैं, मिस्टर रज्जब भट्ट जानी किससे हार गया तू बॉक्सिंग मैच, किससे हार गया यार, कसम से मेरा बड़ा दिल दुख रहा है इस टाइम। मैं तुझे कहता भी रहा हूं कि ट्रेनिंग कर ले, तुझे जरूरत पड़नी है, लेकिन शायद तू इजी ले गया, आई डोंट नो, और तेरे और भी वजूहत होंगे, आई डोंट नो यार, जानी बहुत दिल दुख रहा है कसम से, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि तू इतने कम टाइम पे तूने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, तू रिंग पे उतर के तूने बॉक्सिंग की, ये कसम से आम बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए जिगरा चाहिए होता है, और जो लोग बॉक्सिंग को जानते हैं वो पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जो लोग कह रहे हैं कि यार ये स्क्रिप्टेड था, भाई स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसा स्क्रिप्टेड नहीं होता,
और मैं अब अनस को ओपन चैलेंज करता हूं कि भाई अगर तेरे में हिम्मत है ना तो मैं तेरे साथ एक बाजू के साथ लड़ने के लिए तैयार हूं। ये मेरा ओपन चैलेंज है तेरे लिए। मैं अपना एक बाजू पीछे बांध लूंगा और एक बाजू के साथ लड़ूंगा, तो अगर हिम्मत है तो एक्सेप्ट कर चैलेंज। ट्रेनिंग जितनी मर्जी ले ले, एक महीना ले ले, छह महीने ले ले, कोई मसला नहीं। आपको क्या लगता है कि इनके दरमियान भी कंट्रोवर्सी चलेगी ऐसी, और रज्जब भट्ट का बदला जो है वो राहिम परदेसी ले पाएंगे या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर देखते हैं कि अनस अली जो है वो राहिम परदेसी का चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। और यार खैर आप लोग इस सारी फाइट में किसको सपोर्ट कर रहे थे कमेंट बॉक्स में ये भी लाजमी से बता देना। अभी की वीडियो को तो इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।